आज का हमारा विषय है साधन और साध्य की पवित्रता। बहुत ही सुंदर विषय है भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। हमारी भारतीय संस्कृति में दो शब्द आते हैं, द्वैत और अद्वैत, साधन और साध्य, ज्ञेय और ज्ञाता, ध्यान और ध्याता। ये दो का जोड़ा है, जैसे स्त्री पुरुष का जोड़ा होता है, मेल फीमेल का जोड़ा होता है, रात दिन का जोड़ा होता है, उसी से जोड़ा चलता है हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, और उसका एक अर्थ भी है। जैसे कि देखिए, ज्ञेय और ज्ञाता, ज्ञेय का मतलब जानने की वस्तु, ज्ञाता मतलब जानने वाला। मैं जानने वाला हूं और मेरे सामने कैमरा है, वो ज्ञेय है। संसार की सभी चीजें ज्ञेय है, जानने योग्य है, उसको जानने वाला ज्ञाता है, उसको जानने वाला चेतन तत्व है। क्योंकि जड़ तत्व जान नहीं सकता है, जड़ तत्व ज्ञेय हो सकता है परंतु जड़ तत्व ज्ञाता नहीं हो सकता। उसी तरीके से ध्येय और ध्याता, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को पाना होता है, वो हमारा ध्येय है, हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है, और उस एम को प्राप्त करने वाला वो ध्याता कहलाता है। उस एम को प्राप्त करने वाला है वो ध्याता कहलाता है। उसी तरीके से ज्ञान और ज्ञाता, ज्ञान नॉलेज है, उस नॉलेज को प्राप्त करने वाला ज्ञाता है। उसी तरीके से साधन और साध्य, साधन आर दी मींस, दोज आर दी वेज बाय विच वी कैन अटेन आवर एम। साध्य को एम कहा जाता है। कोई भी वस्तु का जो है हरेक का लक्ष्य होता है। कोई व्यक्ति कुबेरपति बनना चाहता है, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई वकील, सब अपने जीवन का कुछ न कुछ ध्येय बनाते हैं, तो वो उसका जो है साध्य हो गया। अब उसके साधन, उसको फलीभूत कैसे करें, उसको एक्शन फॉर्म में कैसे लाएं, किस मेथडोलॉजी से हम अपने ध्येय तक पहुंचे, वो साधन कहलाते हैं, वो मींस कहलाते हैं, वो वेज कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको MBBS की पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको मानव शरीर के बारे के अंदर वो उसको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और उसकी अलग अलग शाखाएं हो जाती है। ENT होता है, ईयर नोज थ्रोट का अलग हो जाता है, हार्ट का अलग हो जाता है, किडनी का अलग होता है, स्पेशलाइजेशन हो जाता है वो, लेकिन सारा उसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसकी शोध करनी पड़ती है, उसका ज्ञान करना पड़ता है। तो वो तो हो गया हमारा साधन डॉक्टर बनने के लिए MBBS की पढ़ाई करना और प्रैक्टिकल करना, उसका ज्ञान करना। एक वकील है, उसको कई धाराओं का ज्ञान करना पड़ता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो है क्या क्या धाराएं बनाई है, मतलब उसको कानून कायदे जानकारी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जंगल राज नहीं है, हम कानून कायदे के अनुसार चलते हैं, हम न्याय पे चलते हैं। न्याय का अर्थ है कि हमारे समाज ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कोर्ट ने और हमारी सरकार ने क्या क्या जो है नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन करना न्याय कहलाता है, एथिक्स कहलाता है। तो वो सारे जो नियम है वो हमारे साधन है, और साध्य क्या है, न्याय की प्राप्ति करना, वो हमारा साध्य है। उसी तरीके से इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर बनना तो साध्य है, साधन क्या है, उसको BTech करना पड़ेगा, अलग अलग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बहुत सी शाखाएं हैं, उन शाखाओं वो सारे साधन हैं, और उन साधनों का उपयोग करके, उनकी स्टडी करके, उनका ज्ञान करके, उनका पारंगत बनके, उनका जो है प्रैक्टिकल करके, और एक सुदृढ़ इंजीनियर बनता है जब बड़े बड़े पुल बनाता है, रेलवे बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, और इनके चलाने की प्रक्रिया करता है, रोड का करता है, पानी का होता है, बिजली का होता है, जितने भी विज्ञान की चीजें इंजीनियर्स लोग जो है उसका जो रखरखाव करते हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। तो इस तरीके से भाइयों, साधन और साध्य की बातें हुई। अब मैंने आपको जितनी भी बातें बताई है, भौतिक जगत की बातें बताई, हमारे सामने दो तरह के जगत है। जो जगत हम इंद्रियों से देखते हैं वो जगत है हमारा भौतिक जगत कहलाता है, लौकिक जगत कहलाता है, एक इंद्रियातीत जगत है। इंद्रियों से परे
जो जगत है वो हमारा आध्यात्मिक जगत है, वो भीतर का जगत है, और वो भीतर का जगत केवल चेतन पदार्थ में ही होता है। जड़ पदार्थ के अंदर तो चेतना होती नहीं है, इसलिए उसका कोई भीतरी जगत नहीं होता है। वो कोई सोच नहीं सकता, संवेदना नहीं कर सकता, सुख दुख की अनुभूति नहीं कर सकता, प्रजनन नहीं कर सकता, ग्रोथ नहीं कर सकता, इसलिए वो जड़ है। जड़ के नियम अलग होते हैं, चेतन के नियम अलग होते हैं। जड़ और चेतन दोनों सच्चाई है। बोथ आर द इटर्नस, बोथ आर द यूनिवर्सल, बोथ आर द सार्वभौम सत्य, और ये पूरा संसार मात्र दो तत्वों से बना है, जड़ और चेतन। ये मेरा जो शरीर है जड़ और चेतन का मिश्रण है, इसीलिए इसको मिश्र चेतन कहा जाता है कि शरीर जड़ है, लेकिन ये जड़ जो है चेतनवत बन गया है, क्योंकि जो अंदर बैठा भगवान है, प्रभु है, शुद्ध आत्मा है, वो मेरे हाथों को हिला रहा है, मुझे बुला रहा है, और व्यक्ति की सारी जितनी भी क्रियाकलाप है वह उसकी साक्षी हो रहा है। अगर चेतन तत्व आत्म तत्व न हो तो व्यक्ति मुर्दा है।